साथियों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे भारत के 10 ऐसे रहस्यमय स्थान, बातें और व्यक्तियों की जो वाकई में विज्ञान के सामने एक ऐसा प्रश्न चिन्ह लगाते हैं जिसके बारे में विज्ञान कुछ नहीं कह सकता। एक तरफ तो विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली है कि वो बहुत सारी बातों को रिवील कर रहा है, उन्हें बता रहा है अंतरिक्ष के क्षेत्र में, लेकिन ये बातें जो भारत के ऐसी हैं जिनके बारे में विज्ञान अभी भी मौन है, कुछ भी नहीं कह सकता। चलिए शुरू करते हैं। पहली, कोंगला दर्रा लद्दाख। कोंगला दर्रा लद्दाख को एलियंस का घर माना जाता है। यदि कोंगला दर्रा लद्दाख की आप लोकेशन देखेंगे तो ये उस क्षेत्र में पड़ता है जो कि लद्दाख क्षेत्र में आता है। भारत और चाइना के बीच इसमें डिस्प्यूटेड है, इसलिए दोनों, ना तो ये भारत में पड़ता है अच्छे से ना चाइना में पड़ता है, ले और यहाँ पर पेट्रोलिंग ढंग से नहीं हो पाती। पूरा के पूरा बर्फीला ये क्षेत्र है और इस पूरे बर्फीले क्षेत्र में यहाँ के जो स्थानीय निवासी है उन्होंने कई बार अंतरिक्ष जीवों के गुप्त स्थापना स्थल के रूप में इसे देखा है। कई बार यहाँ यूएफओस आती हुई देखी हैं। यूएफओस मतलब वो चीज़ें जिन्हें कहते हैं अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, यानी जिन्हें उड़न्त अस्तरी के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ के स्थानीय लोगों ने कई बार ऐसी तस्वीरें देखी हैं। इवन 2006 जून 2006 में गूगल सैटेलाइट के द्वारा भी एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है जिसमें एक ऐसा ही फ्लाइंग ऑब्जेक्ट इस क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। तो यह है पहला मिस्टीरियस जगह, रहस्यमय स्थान। दूसरा, ताजमहल एक शिव मंदिर तेजो महलाए। यह बहस बहुत पुरानी है। ताजमहल जो कि एक प्यार का प्रतीक है और कई जगह पूरे भारत का प्रतीक हो जाता है, भारत को विदेशों में रिप्रेजेंट करने के लिए इस तस्वीर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये भी अपने आप में एक रहस्यमय और विवादित मुद्दा है कि ताजमहल वाकई में एक मकबरा है या एक शिव मंदिर। अगर इसकी जांच पड़ताल करें तो दिल्ली के एक प्रोफेसर थे PN ओक, पुष्पेंद्र नागेश ओक, जो कि साथ में इतिहासकार भी थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, द ताजमहल इज अ टेम्पल पैलेस। उन्होंने इसमें बताया कि ये जो ताजमहल है, ये जो इमारत है, ये जयपुर के राजा जयसिंह के अधीन थी, जिसको शाहजहां ने जबरन उनसे हथिया लिया था और थोड़े से इसमें बदलाव करके मकबरे का रूप दे दिया था, और जिसके परिप्रेक्ष्य में उनके द्वारा कई प्रकार के सबूत भी दिए गए हैं। सबूत जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में एक गुप्त कमरा जो ताजमहल के नीचे है, ताजमहल के ऊपर स्थित जो कलश है जो कि हिंदू मंदिरों में जो विशेषता है कलशों की वो, और एक पच्चीकारी जहाँ पर आपको ओम की आकृति दिखाई देगी, ये ऊपर की तरफ इस पच्चीकारी में यहाँ पर ओम की आकृति आप देख सकते हैं, ये ताजमहल की है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उस समय के जो इतिहासकार हैं उनमें से किसी के द्वारा भी ऐसी कोई घटना नहीं दर्शाई गई है जो कि इतनी बड़ी इमारत के बनने की बात कहती हो। साथ ही कार्बन डेटिंग जो पद्धति है उसके द्वारा भी ताजमहल की उम्र काफ़ी पुरानी मानी गई है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि इसको सस्पेक्टेड बनाती हैं। आपकी सुविधा के लिए हमारे द्वारा, क्योंकि ये जो पीएन बुक, ये बुक है द ताजमहल इज़ अ टेम्पल प्लेस, इसको बैन कर दिया गया है, लेकिन ये बुक बहुत खोजने के बाद इंटरनेट पर हमें मिली, उसका लिंक हम नीचे दे रहे हैं, आप चाहें तो इस बुक को वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं। अब देखना यह है कि यह वाकई में इसकी सच्चाई क्या है, इसके बारे में सिर्फ सरकार ही कुछ बोल सकती है, इसके अलावा कोई कुछ नहीं बोल सकता। अगली जो सस्पेक्टियस पर्सनालिटी हमारे सामने है वो प्रहलाद जानी, जिन्हें माताजी के नाम से भी जाना जाता है। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो दावा करते हैं कि पिछले 70 सालों से इन्होंने कुछ भी नहीं खाया है, पिछले 70 सालों से ये बिना कुछ खाए पिए जिंदा हैं। बड़ी दिलचस्प कहानी है इनकी। यदि हम बात करें तो ये जो है बेसिकली राजस्थान के रहने वाले थे, जिन्होंने अपना गांव छोड़कर गुजरात चले गए, और वहां पर इनके द्वारा जो बताया जाता है कि माता अम्बा की कृपा हुई, और माता अम्बा यानी कि देवी दुर्गा की कृपा से ये बिना कुछ खाए पिए 70 सालों से जिंदा हैं। इनके दावे की जांच करने के लिए दो बार 2003 में और 2010 में इनकी मेडिकली पूरी तरह से जाँच की गई, और ये जांच जो की गई ये स्ट्रिंगल हॉस्पिटल है
स्ट्रिंगलिंग हॉस्पिटल अहमदाबाद, इसमें डॉक्टर सुधीर साह के नेतृत्व में ये जांच की गई और दोनों बार इनके दावों को बिल्कुल सच पाया गया, जबकि दूसरी बार तो जांच डीआरडीओ के निर्देशन में की गई थी। तो दोनों बार इनके दावों को पूरी तरह से सच पाया गया और 15 दिन तक ना ये टॉयलेट गए, ना इन्होंने कुछ खाया, ना कुछ पिया, 15 उसके बाद भी पूरी तरह से स्वस्थ ये हैं। तो ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है जिसको कि विज्ञान समझ नहीं पा रहा कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है। अगली मिस्ट्री की बात करें वो है हेती या हिम मानव या इंग्लिश में जिसे कहते हैं बिगफुट। एक कहानी के अनुसार कई वैज्ञानिक मानते हैं इस चीज़ को कि जो पृथ्वी का ओरिजिनल जीव है वो बिगफुट ही है। इंसानों को एलियंस के द्वारा बनाया गया है बिगफुट और कुछ परग्रही जीवों के क्रॉस के द्वारा, यानी कि हम जो इंसान हैं ये पृथ्वी के ओरिजिनल निवासी नहीं हैं। जो बिगफुट होता है उसके शरीर पर बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं, उसकी हाइट करीब 10 फीट तक होती है और वजन 545 किलो तक होता है। ये अभी तक रहस्य बना हुआ है कि एक्चुअल में ये है भी या नहीं है, क्योंकि कोई भी इसे दावा करके नहीं कह सकता कि उसने इसको देखा है। अभी तक जो दावे हुए हैं इसको देखने के, 1935 में हांगकांग में इसकी पहली बार खोपड़ी मिली थी। साथ ही इसका उल्लेख जो है ऋग्वेद और सामवेद में भी आता है। 1951 में जब माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने के लिए वहाँ पर एरिक सिम्पटन गए थे तो उन्होंने बर्फ पर बड़े बड़े पैरों के पदचिन्ह भी देखे थे और उन पदचिन्हों की तस्वीरें बहुत फेमस हुई बाद में और काफ़ी उस पर चर्चा भी की से बनी। 1953 में जो एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोरके ने भी इसी तरह के बड़े बड़े पदचिन्ह देखे थे और इसके बारे में तेंजिंग नोरके ने लिखा है अपनी आत्मकथा में कि उन्होंने ऐसे चित्र कई बार देखे हैं लेकिन उनके पिता ने दो बार अपनी लाइफ में हिम मानव को देखा था। हालांकि तेंजिंग नोरगे ने यह दावा नहीं किया कि उन्होंने देखा था, उनके पिता का दावा करते हैं कि उनके पिता ने इसको देखा था। तो ये अभी भी वाकई में एक बहुत बड़ा रहस्य है कि वाकई में हिम मानव होता है या नहीं होता। अगली है राजस्थान की धरा में कुलधरा करके एक गांव है जो एकाएक वीरान और भूतहा हो गया है। ये जो गाँव है राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। ये जो गाँव 1200 के आसपास बसाया गया था ब्राह्मणों के द्वारा और ये गांव 1825 में एक ही रात में ये गांव और इसके साथ और 83 गांव, कुल 84 गांव रातों रात भूथा हो गए। इसके बारे में जो कहानी है वो कुछ इस तरह से है। ये जो गांव है यहाँ जैसलमेर रियासत के एक मंत्री जिसका नाम सालम सिंह था, उसकी नज़र यहाँ के गांव की मुखिया की बेटी पर पड़ गई। वो उसको प्राप्त करना चाहता था, उससे शादी करना चाहता था, जबकि वो एक नंबर का अय्याश आदमी था और उसने गांव वालों को चेतावनी दी यदि उसको लड़की नहीं मिली तो गांव में इतना कर बढ़ा देगा कि उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। बस इसी बात को लेकर एक पंचायत हुई और उस पंचायत ने 84 गांव के जो लोग थे जो ब्राह्मण समाज के थे उन्होंने इकट्ठा हुए और उन्हें फैसला लिया कि हम राजा को वो बेटी नहीं, उस मंत्री को वो बेटी नहीं देंगे, उसकी इज्जत हम बचाएंगे। और रातों रात पूरा के पूरे 84 गांव खाली कर चले गए और वो आज भी एज इट इज़ वहाँ पर सारी चीज़ें स्थित हैं। तो ये एक मिस्ट्री है कि रातों रात, और उसके बाद उनका ना तो ये पता चला कि वो कहाँ गए, ना ये पता चला कि वो कहाँ पर हैं, लेकिन जाते समय में उन्होंने इस गांव को कभी ना बसने का श्राप दिया और अभी तक ये गांव कभी भी नहीं बस पाया। एक दो बार बीच में कुछ लोगों ने यहाँ रहने की हिम्मत की है लेकिन उनकी भी यहाँ पर वो रह नहीं पाए, कभी भी इसको बस नहीं पाया। अगली है छठवा नंबर पे मैग्नेटिक हिल लेह। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। मैग्नेटिक हिल जो है लेह के अंदर कश्मीर के अंदर स्थित है, जहाँ पर यदि आप देखेंगे किसी ढलान पर आप गाड़ी खड़ी कर दें तो आप पाएंगे यदि आपने गाड़ी में हैंड ब्रेक या गियर नहीं लगाया है तो गाड़ी नीचे की ओर लड़क जाएगी या नीचे की ओर लुढ़केगी, लेकिन यहाँ पर इसका उल्टा होता है। यदि गाड़ी आपने न्यूट्रल में या बिना ब्रेक के या बिना न्यूट्रल में खड़ी कर दी तो यहाँ गाड़ी ढलान के नीचे की ओर न लुढ़कते हुए ऊपर की ओर खींचेगी और लगभग वो भी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तक ऊपर जा सकती है। तो बहुत बड़ा एक ये रहस्य बना हुआ है। कहा जाता है कि यहाँ बहुत बड़ा मैग्नेटिक फील्ड है जो गाड़ियों को, क्योंकि वो आयरन की बनी होती है और लोहा जो होता है आयरन को खींचता है, इसलिए वो इसे अपनी ओर खींचती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। आप इन सब चीज़ों को गूगल पर देख सकते हैं, इनके बारे में पढ़ सकते हैं बहुत ईजिली। जितनी भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ सब के सब गूगल के बेस में इनके ऊपर बहुत विस्तार से लिखा हुआ, आप इसको देख सकते हैं।
अगला है सातवां नंबर का जातिंगा। जातिंगा है असम में और ये है पक्षियों का आत्महत्या स्थल। यहाँ पर पक्षी आत्महत्या करते हैं और बहुत बड़ी तादाद में करते हैं, इसलिए ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बना हुआ विज्ञान के लिए भी। होता क्या है, मानसून के बाद जब सितंबर और अक्टूबर के महीने में रात के समय खासकर 6 बजे से 9:30 बजे के बीच में कई पक्षी यहाँ पर क्या होते हैं, जो प्रवासी पक्षी आते हैं या स्थानीय पक्षी भी जो होते हैं शहर में जो या गांव जिसे कहा जाए उसमें जो लाइटें लगी उनकी ओर आकर्षित होते हैं और टकराकर मर जाते हैं। और ये घटना खासकर सितंबर और अक्टूबर में ही होती है, इसलिए ये बहुत बड़ा रहस्य का विषय बना हुआ है। इस पर कई समय तक रिसर्च की गई लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। अगली बात करें, आठवीं है भानगढ़ का किला। ये एक भूतहा महल है। भानगढ़ का किला राजस्थान में स्थित है, ये अजबगढ़ अलवर राजस्थान में स्थित है। यदि भानगढ़ के किले की हम बात करें तो रात में सूर्यास्त के समय यहाँ पर जाने की पूरी तरह मनाही है और इसके संबंध में भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग ने वहाँ पर बोर्ड भी लगाया है क्योंकि एक संरक्षित स्थल है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जो यहाँ की राजकुमारी थी उस राजकुमारी से एक जादूगर जो था वो प्यार करने लगा था और उस जादूगर ने उस राजकुमारी को प्राप्त करने के लिए एक काले जादू करने का प्लान बनाया जिससे कि वो राजकुमारी को अपने वश में कर ले। राजकुमारी को उससे पहले ही उसके काले जादू के बारे में पता चल गया और उसने उस जो जादूगर था उसको मरवा दिया। और जब वो जादूगर मरा तो उससे पहले उसने उस जगह को श्राप दे दिया और आज भी यहाँ पर रात के समय कोई भी रुकने की हिम्मत नहीं करता। और कुछ लोगों ने यहाँ पर रुकने की, रात में, दिन में हालांकि टूरिस्ट के लिए खुला रहता है लेकिन रात में रुकने की कोशिश की तो वो कभी भी लौट कर वापस नहीं आए हैं। अगली जो जगह है वो है लेपाक्षी मंदिर आंध्र प्रदेश। लेपाक्षी मंदिर आंध्र प्रदेश एक बहुत ही नायाब नमूना है मंदिरों का, बहुत शानदार स्कल्पचर यहाँ बने हुए हैं। ये यहाँ पर एक हवा जो हवा में झूलता खंभा यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर क्या है बेसिकली, इस मंदिर के अंदर इसका आर्किटेक्चर या इस तरह से बनाया गया है कि यहाँ कुल 70 खंभों का ये मंदिर है और इन 70 खंभों में से एक खंभा ऐसा है जिसके नीचे जिस तरह से आप तस्वीर में देख रहे हैं इस तरह से कपड़ा आर से पार निकाला जा सकता है और इसका रहस्य कोई नहीं जानता। माना ऐसा जाता है कि इसमें जो खासकर बाजीगरी या ट्रिक जो है इसके शिल्प में या इसके आर्किटेक्चर में उसको इस तरह से बनाया गया है कि वो हवा में वो खंभा जो है हवा में झूलता रहे। तो ये एक बहुत बड़ा रहस्य है कि ये आखिर कैसे होता है अभी तक कोई भी नहीं जानता। और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे आखिरी है वो दसवां है, कोढ़नी कर केरल में एक गांव है। यहाँ पर ये जो गाँव है जुड़वा लोगों का गाँव या ट्विंस टाउन कहलाता है। ये कोढ़नी गाँव जो है ये मलप्पुरम से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर 2000 लोगों का गांव है लेकिन इन 2000 लोगों के गांव में 204 से ज़्यादा जुड़वा जोड़े हैं, मतलब कि 408 लड़के लड़की यहां पर जुड़वा हैं। और ये जो 204 की जनसंख्या है ये इस गांव की कुल 10% जनसंख्या है जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है इसी गाँव में, क्योंकि एक ही गाँव में इतनी बड़ी संख्या में जुड़वा पैदा होना एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। यहाँ के स्थानीय लोगों की माने तो 1949 से ये शुरू हुआ और ये अब तक जारी है। और यहाँ पर लगभग सभी उम्र के, ऐसा नहीं कि अभी जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वही हैं, उससे पहले भी उम्र के ट्विंस यहाँ पर मिल जाते हैं। और इसके बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कई बार वैज्ञानिकों की टीमें आई, उन्होंने रिसर्च की और अभी तक उसका कोई भी पता नहीं लगा पा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। इवन यहाँ की कोई लड़की अगर बाहर भी शादी करती तो वहाँ भी उनको भी जुड़वा बच्चे पैदा होने की संख्या अधिक होती है और बाहर की लड़की अगर इस गाँव में शादी करती है तो उसको भी जुड़वा बच्चे पैदा होने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है जिसको सुलझा पाना विज्ञान के लिए अभी पॉसिबल नहीं हुआ है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारा वीडियो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के बहुत सारे वीडियो आप देख सकते हैं, नीचे की तरफ 3 वीडियो हैं, इनमें से भी आप जरूर देखें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जब तक आप इन चीज़ों को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तब तक हम बनाते हैं आपके लिए दूसरे वीडियो। आप देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।